ग्राम जखोरिया में हुई युवती की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवती के भाई ने ही हत्या की थी और घटना को छिपाने के लिए आत्महत्या बताते हुए झूठी कहानी रची। मामले में पुलिस को पीएम रिपोर्ट आने पर संदेह हुआ तो उसने भाई से पूछताछ की, जिसमें नया खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अमझेरा पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि घटना वाले दिन गांव के शादी समारोह से 2 घंटे गायब होने का कारण पूछने पर बहन ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके चलते ही गला घोटकर हत्या कर दी थी। हालांकि आरोपी ने हत्या की बात छुपाने के लिए झूठी कहानी रचते हुए बहन की मौत आत्महत्या से होने की बताई थी, किंतु पिता ने पुलिस को बताया कि घर के अंदर जाते ही बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी तथा बेटे ने ही शादी समारोह में मारपीट की थी। इसके बाद आरोपी ने हत्या की बात कबूल की थी। एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि दिनांक 9 मई को कालू पिता बूचा, उम्र 45 वर्ष, अपने परिवार के साथ गांव के ही रमेश के यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहाँ पर उसकी बेटी सवीना, पिता कालू भी मौजूद थी। परिवार के लोग 9 बजे समारोह में पहुंचे तथा बाने में नाचने के बाद रात करीब 3 बजे घर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद कालू ने दरवाजे के ऊपर लगी चद्दर को हटाकर देखा तो अंदर मृत अवस्था में बेटी सवीना को पाया, जिसके बाद दरवाजा खोलकर परिवार के लोग अंदर आए व बेटी के गले में खून के निशान देखे। सुबह सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व पंचनामे की कार्यवाही के बाद मर्ग कायम कर लाश का पीएम करवाया गया, जहां से पीएम रिपोर्ट में युवती की मौत को लेकर पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। टीआई पवार के अनुसार शादी समारोह में बाने के दौरान आरोपी राधेश्याम, पिता कालू, अपनी बहन पर नजर बनाए हुए था। तभी रात 10 बजे सवीना बाने में से कहीं गायब हो गई तथा रात में 2.5 घंटे बाद करीब 12:30 पर पुनः लौटी। तब आरोपी ने बहन से गायब होने का कारण पूछा तो सवीना कुछ बता नहीं पाई, जिसके बाद सवीना के घर में लाश मिली थी। ऐसे में पुलिस ने भाई राधेश्याम को अरेस्ट किया व सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पहले झूठी कहानी बताते हुए कहा कि जब घर के अंदर चद्दर को हटाकर घुसे थे तो सवीना फंदे पर लटकी हुई थी, किंतु पिता ने इस बात को झूठा बताया। ऐसे में पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि शादी में ही सवीना के साथ मारपीट की व उसके बाद अपने घर लेकर आया, जहां पर आरोपी ने गला घोंटकर हत्या कर दी व घर के पीछे स्थित कच्ची दीवार को तोड़कर बाहर निकलकर भाग गया था। आरोपी को शंका थी कि उसकी बहन गांव के ही किसी लड़के से बातचीत करती है, इसी शंका को लेकर आरोपी ने हत्या कर दी। इसके गले के ऊपर कुछ निशान ऐसे हुए, मर्ग पंजीबद्ध किया गया, स्पॉट को विजिट किया गया, इससे ये लगा कि ये आत्महत्या के बजाय ये हत्या का प्रकरण है। स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके घटनाक्रम की तह में गए, पूरे परिवार जनों को भगाला। उसके भाई के द्वारा पहले नानुपुर किए, किंतु बाद में उसने अपराध कबूल किया।